Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson number 14, electric current and its effect, right? तो इसमें हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसमें था इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे हम लोग और रेसिस्टेंस के बारे में चर्चा हुई थी, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से प्रभाव छोड़ते हैं या डालते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं तीन तरह के इफेक्ट शो करते हैं या इफेक्ट करते हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है केमिकल इफेक्ट। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट। व्हाट आर दे? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट, है ना। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। इन दिस क्लास वी विल स्टडी ओनली द हीटिंग इफेक्ट। इस क्लास में हम लोग सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, अगले क्लास में मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओनली द हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी इसी में पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को शो करने के लिए यहाँ बताया गया, टू आयरन नेल्स लीजिए, एक थर्मोकोल सीट लीजिए, कॉपर वायर्स लीजिए, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर लीजिए और इलेक्ट्रिक सेल लीजिए, एक स्विच लीजिए, ठीक है, और इस तरह का अरेंजमेंट करिए, ठीक है। ये दो आयरन कील है, इसमें थर्मोकोल में डाल धसा दिया इसको, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कौन सा वायर लगाया है, नाइक्रोम का वायर, है ना, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो कॉपर वायर है एक इसमें कनेक्ट करके यहाँ पर स्विच का ये पार्ट है इस बिंदु पर डाला और एक पार्ट जो है निगेटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से लगा दिया, और जैसे ही स्विच को, और ये स्विच जब इसमें सटेगा, मतलब अभी सर्किट ओपन है, और जैसे ही स्विच इसमें सटेगा सर्किट क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है इधर से होना शुरू हो जाएगा पूरे सर्किट में, है ना। तो आप देखिएगा, जो नाइक्रोम का वायर है तो वो क्या होता है, हॉट हो जाता है। तो नाइक्रोम वायर जो यहाँ बीच में जो वायर लगा हुआ है, कुछ देर के बाद ये बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है द नाइक्रोम वायर बिकम्स हॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट हैज हीटेड अप द नाइक्रोम, जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा था उसने उसको क्या किया, हीट कर दिया, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू, तो यहाँ जो बैटरी ने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में, है ना, जिसके कारण से नाइक्रोम वायर जो था हीट अप हो गया, और इसी को कहते हैं दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, राइट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, जो किसी भी वायर में कितना अमाउंट हीट का प्रोड्यूस किया, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहला है कि रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस कल मैंने आपको बताया था, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल की जो विरोध करने की शक्ति है, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो कोई भी मटेरियल कितना रेसिस्टेंस शो करता है ना, इसलिए ये पहला पॉइंट जो है रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, किस स्ट्रेंथ का हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उस वायर से होकर गुजार रहे हैं, है ना। मान लीजिए अभी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने एक ही सेल का यूज़ किया था, एक सेल की जगह दो सेल यूज़ करते तो वो नाइक्रोम वायर और ज़्यादा हीटेड होता, तीन सेल अगर यूज़ करते और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता तो और ज़्यादा वो हीटअप होता। तो दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल बाय इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इट्स रेसिस्टेंस। द हायर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर इज हीट प्रोड्यूस, उस उतने ही वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। रेसिस्टेंस मटेरियल का ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ठीक इसका उल्टा वाइस वर्सा, लोअर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा है, हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, ठीक है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट, करंट का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, अगर मैग्नीट्यूड हीट का कम है तो कम हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट,
तो हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या सब है, इसका उपयोग क्या सब है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ में, इसको कुछ को यहाँ पर बताया गया, कई सारे अप्लाइंसेस जो इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं वो हमारे इसी प्रॉपर्टी पर काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लाइंसेज है, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लाइंसेज जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर है ना, रूम हीटर जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, वाटर हीटर, गीजर एंड इम्प्रेशन रॉड जो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये सारे अप्लायंसेज जो हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करते हैं, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ये सारे अप्लायंसेज इसी के ऊपर काम करते हैं। तो ऑल द हीटिंग अप्लायंसेज कंटेन कॉइल ऑफ फायर रेसिस्टेंस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जिनकी मैंने अभी चर्चा की है ना, सभी में कॉइल होता है, ठीक है, और वो कॉइल किसका होता है, हाई रेसिस्टेंस वायर का, जिसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। वही वो आयरन के नीचे वाले हिस्से को गर्म करता है, जिससे हम कपड़े को आयरन करते हैं, पानी को गर्म करता है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट है वो नॉर्मली आपका किसका बना होता है, नाइक्रोम अलॉय है ना, अलॉय मतलब होता है दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल को मिला के बनाया जाता है। तो नाइक्रोम अलॉय है एक होमोजीनियस मिक्सचर का है, इसका आयरन निकेल क्रोमियम एंड मैग्नीशियम का, इन चारों को मिलाकर होमोजीनियस मिक्सचर पिघलाकर इनको समान रेशियो में मिलाते हैं, तब जाके हमको नाइक्रोम वायर मिलता है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है हीटिंग एलिमेंट से, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द एलिमेंट, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है एलिमेंट में, जिसके कारण से वो रेड हॉट हो जाता है एलिमेंट, और द हीट इज देन पुट टू द डिजायर्ड यूज, और उसी हीट का हम लोग फिर यूज करते हैं जो भी यूज करना हो। फॉर एग्जाम्पल द हॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज फॉर आयरनिंग क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करते हैं क्लॉथ को आयरन करने के लिए। द हॉट इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज यूज फॉर वार्मिंग द रूम हीटर, रूम को गर्म करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग फूड, देख रहे हैं यही आयरन के अंदर में इस तरह का एलिमेंट होता है, जिसके कारण से ये जब रेड हॉट होता है तो इसके नीचे का जो हिस्सा रहता है वो भी आपको गर्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम पर काम करता है। अब पीला वाला बॉल देखते हैं, तो पीले वाले बॉल में देखते हैं बहुत महीन स्प्रिंग जैसा अंदर में लगा रहता है, इसको फिलामेंट कहते हैं, और वो टंगस्टन मेटल का बना होता है, उसका भी रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होता है ना, जब वो इलेक्ट्रिक करंट उससे होकर गुजरता है तो वो जो स्प्रिंग जैसा जिसको फिलामेंट कहते हैं वो काफ़ी रेड हॉट हो जाता है ना, वाइट हॉट है ना, और वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, मतलब लाइट को निकालना स्टार्ट करता है। इट गिव्स अस लाइट भी और हीट भी, जब आप जलते हुए बल्ब को छूने जाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इसलिए कपड़े का इस्तेमाल लोग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग आगे करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कुछ और भी है तो कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।